हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 60-40 नीति को लेकर। 60-40 जो झारखंड की बर्बादी का दिन आ गया है, 60-40 रहा तो झारखंड के लोग कैसे बर्बाद हो जाएंगे, 60-40 नीति अगर खारिज नहीं किया गया कैसे झारखंडियों को बेघर होना पड़ेगा, कैसे नौकरियों को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करना पड़ेगा, ये भी बताएंगे दोस्तों। क्योंकि 60-40 झारखंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 60-40 है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप 60-40 का विरोध कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि मैं 60-40 का विरोध कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ 60-40 है। आप यूं ही एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए झारखंड में 100 नौकरी है, 100 नौकरी में जो 60 नौकरियाँ हैं वो आपको झारखंडियों को मिलेगा, 40 नौकरियाँ बाहरियों को मिलेगा। लेकिन जो दूसरे राज्य में है, क्या जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पर क्या नियम है, ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों, जो दूसरे राज्य है ना, वहाँ पे क्या है, कहीं पे 85-15 है, कहीं पे 90-10 है, कहीं पे 5-95 है, मतलब 85% वहाँ के लोग, 15% बाहरी, कहीं पे 90% वहाँ के लोग हैं, कहीं 5-10% बाहरी। तो आपको ये सोचना होगा कि आखिर झारखंड में झारखंड सरकार 60-40 क्यों लागू की हुई है, 60-40 के हिसाब से नौकरियाँ क्यों दे रही है। तो दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते मैं आपको बता दूँ कि जो उनका जो विधायक है, सांसद है, वो ज़्यादातर बाहरी है, बाहरी लोग को समर्थन करते हैं, बाहरी लोग का वोट मिलता है, इसके लिए सरकार अपना सत्ता बचाने के लिए 60-40 को लेकर आई है। और इसको ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये ख़त्म करती है तो उनके जो विधायक है, सांसद, वो हो जाएंगे नाराज, और नाराज होने के बाद उनकी सरकार जाएगी गिर, उनका कोई पावर रहेगा नहीं। इसके लिए हेमंत सोरेन सत्ता में रहने के लिए, पावर बनाए रखने के लिए 60-40 जबरदस्ती झारखंडियों के ऊपर थोप रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि हम झारखंड के लोग हैं, जो निवासी है उनको जाति के नाम पर बांट देंगे, और जो हम खुद आदिवासी का वोट तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन बाहरियों को कैसे खुश करना है, इसके लिए 60-40 नियम को लेकर आए हैं और 60-40 के ऊपर नौकरी दे रहे हैं। अब भाई, युवा कितना आंदोलन करे, जो आंदोलन करता है उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा देते हैं, आप देखते होंगे वीडियोज में हमेशा आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आखिर 60-40 खत्म कैसे होगा। तो दोस्तों, इसका एक ही उपाय है, जब तक ये सरकार रहेगी 60-40 खत्म नहीं होगा, क्योंकि सरकार चलाने के लिए विधायक का समर्थन बहुत जरूरी है, जो विधायक है वो बाहरी है, अगर अपना समर्थन ले लेंगे तो सरकार रहेगी नहीं। इसके लिए 60-40 खत्म नहीं हुआ, 60-40 खत्म करना मतलब हेमंत सोरेन का सरकार गिरना। इसके लिए आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि हम हेमंत सोरेन से आशा कर लेंगे 60-40 का नियम को खारिज करेंगे और दूसरा नियम लेकर आएंगे, 90-10 या फिर 85-15 ऐसा। दोस्तों, बीजेपी भी कुछ खास नहीं किया था, बीजेपी अपने सरकार में 1985 लाकर छोड़ दिया था और नौकरी तो बिल्कुल नहीं आया था, आपको पता है, रोजगार के नाम पर कुछ मिला नहीं, तो उसमें पता नहीं चला कि किस तरीके से रोजगार मिला और इसका रूल नियम क्या था। लेकिन दोस्तों, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें जिस तरीके से नौकरी देने का प्रस्ताव लाया गया है, जिस तरह का नियम बनाए गए, जो कि बहुत गलत है, और तो आपको ये सोचना है, ये आपको समझना है कि यहाँ पे नेता गलत है या फिर आप गलत है। और आने वाले समय में अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो यहाँ पे गलत कौन होगा, आप होंगे या हम होंगे या नेता होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अगला बार फिर हेमंत सोरेन परिवार को वोट देते हैं, यह जानते हुए कि उनका समर्थन, उनका समर्थक बाहरी है, आधा से ज़्यादा उनको बाहरी लोग समर्थन करते, क्योंकि वो बाहरी लोग के हिसाब से काम करते हैं। अब की बार अगर आप वोट देते हैं हेमंत सोरेन को, ये सोच लीजिए कि 60-40 जो नियम है वो सत्ता में रहने के बाद भी इसे खारिज नहीं करें, क्या लगता है आपको? क्योंकि चुनाव के मंच पे जब हेमंत सोरेन जी जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि मेरी सरकार जब बनेगी डबल इंजन की सरकार, तब हम 60-40 नियम को खारिज करेंगे और 90-10 को लागू करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रयास है ना, जो सरकार कह रही है अभी हेमंत सोरेन जी कि हम लागू करेंगे 90-10 को, ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो कभी जनता इसे खारिज कर देती है और लागू कर नहीं पा रहे। आखिर क्यों जानबूझ के इस तरीके से झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है, झारखंड में सत्ता को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपना समय काट रहे, 5 साल पूरा कर रहे हैं, कभी कुछ रूल बनाते, कभी कुछ रूल बनाते, लेकिन कोई रूल पास होता नहीं है। इसीलिए आसान सा तरीका ढूंढा कि भाई सबको खुश करना है तो 60-40 लेकर आ जाओ, झारखंड वाले सवाल पूछेंगे नहीं और बाहरी वाले को खुश करना, क्योंकि उससे वोट पाना है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है कि अगर हम जिसे वोट दे रहे हो मेरे लिए काम कर रहे या नहीं कर रहे, आप जिसे वोट दे रहे हो आपके लिए काम कर रहे या नहीं कर रहे, और जिसे आप चुन रहे हो कितना झारखंडी है, कितना आपके हित में काम करेगा, ये भी देखना जरूरी है। ये मत कहिए कभी कि नेता गलत है तो भाई सरकार गलत है, अधिकारी गलत नहीं, गलत आप हैं, क्योंकि चुनाव आप कर रहे हैं। सरकार वहां जाके खुद नहीं बैठ रही सीट पे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मेरा मुझे विधायक बना दो। आप चुनाव करते हैं, आप वोट डालते हैं, उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारे झारखंड का मूल मुद्दा क्या है, हमारे झारखंड का जो
क्षेत्रीय मुद्दा क्या है, जैसे 60-40, 1932 खतियान, ऐसे तमाम मुद्दे जो कि आपको याद रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि हमारे झारखंड के लिए कौन काम कर रहा है, कौन नेता जो हमारे मुद्दे को उठा रहा है और कौन नेता जो हमारे मुद्दे को दबा रहा है, कौन नेता जो हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नेता जो हमारे लिए नहीं काम कर रहा है। ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है, नेता नहीं सोचेगा भाई। नेता को पता है कि फ्री पेट्रोल दे देंगे और 200-400-500 हाथ में पकड़ा देंगे ना, तो मुझे वोट मिल ही जाएगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन आपको अब तय करना है, क्योंकि सिर्फ झारखंड में आपको नहीं रहना है भाई, आपके परिवारों को भी रहना है, आपके आने वाले बच्चे के को भी रहना है। ये आपको तय करना है कि झारखंड में सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि 60-40 अगर आज रद्द नहीं हुआ ना, आने वाले समय में समझ लीजिए झारखंड बर्बाद है। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि सरकार के पास पुलिस है, प्रशासन है, अधिकारी है, आपके पास क्या है, कुछ नहीं है। और अगर आप जाति के नाम पर बढ़ जाते हैं, अगर आप समाज के नाम पर बढ़ जाते हैं, अगर अलग अलग भाषाओं के नाम पर बढ़ जाते हैं, तो सरकार को इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। इससे होगा ये कि बाहरी को खुश करने में सरकार को और आसानी होगी। इसीलिए कहता हूँ कि ये सारे बातों को जो मुद्दा है वो कोई और पार्टी नहीं उठा रही, बल्कि टाइगर जयराम उठा रहे। टाइगर जयराम को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि टाइगर जयराम एक झारखंडी है, ऐसा झारखंडी है जो कि झारखंड के लिए सोचते हैं, झारखंड के लिए काम करते हैं, झारखंडियों के लिए हमेशा जीते हैं, झारखंडियों को हक दिलाने की बात करते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो झारखंड को उनके आने के बाद, उनके मार्केट में आने के बाद कुछ निवासियों को उनका काम देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको वोट किसे देना है। टाइगर जयराम अगर आप बोले तो टाइगर जयराम एक ऐसा इंसान है जो कि एक झारखंडी है, एक निवासी है, जो कि झारखंड का है, पढ़ा लिखा है, वो सही गलत को समझता है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बाहरी लोग खड़े नहीं हैं। आपको खड़ा होना है, क्योंकि झारखंड में एक नया सीएम आ रहा है, टाइगर जयराम, जो कि अपने बलबूते पे, अपने आवाज़ के दम पे, अपने बात के दम पे, अपने विचार के दम पे झारखंड के लोगों के अंदर जगह बना पाया। आपको इन दूसरी पार्टियों के जो षड्यंत्र हैं उसमें आपको नहीं फंसना है। आपको अपना दिमाग यूज करना है, खोपड़ी यूज करना है, भगवान ने आपको दिया है थोड़ा बहुत, उसको यूज करना है कि मेरे लिए सही कौन है। पैसा उसा छोड़िए, मुर्गा मछली छोड़िए, और सत्ता में उसी को बैठाइए जो आपके लिए काम करेगा, जो आपके नौकरियों को सुरक्षित रखेगा, जो बाहरियों को अपना झारखंड नहीं बेचेगा। बाकी आप तो खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए होंगे तो।